इसमें आपको कैसा बढ़िया ट्रैक्टर नहीं? बढ़िया नहीं है जी? क्यों जी, क्या कारण है जी इसमें? तेल का खर्चा ज्यादा है, काम इतना है नहीं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज आपके लिए लेके आए जॉन डियर 50-50D की वीडियो। तो नया ही ट्रैक्टर लिया है हमारे ताऊ जी ने और नया ही शक्तिमान का रूटर लिया है। तो शक्तिमान की तरफ से मिस्त्री साहब जो आए हैं वो रूटर के चक्कर सेट करने हैं ट्रैक्टर के हिसाब से। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, नया रूटर है, परफॉर्मेंस भी लेंगे रूटर और ट्रैक्टर की दोनों की, और कौन सी गिरारी IR कौन सी डाल रहे हैं ट्रैक्टर के हिसाब से वो भी आपसे मिस्त्री साहब से पूछ के आपको बताएंगे, और आपकी जो किसान हमारे ताऊ जी हैं उनसे भी आपको बात करवाएंगे, आपको ट्रैक्टर बारे में पूरी जानकारी दिलवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी आप अपने दोनों अपना अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम तो हाजी अमसाद है जी। ग्राम संबलेड़ा, तहसील जानसर, जिला मुजफ्फरनगर। तो ये तो हमारे हैं जी ताऊ जी, हमारे गांव की हैं, इन्होंने ट्रैक्टर लिया है। तो नमस्कार मिस्त्री साहब जी। नमस्कार जी। तो जी आप अपना पूरा बताओ जी, परिचय दो जी। हमारा है जी खतौली है। खतौली से आप आए हो जी। तो आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम इस्तखार है जी। इस्तखार है जी। तो मुझे आप पहले आप ये बताओ जी, इसमें कौन सी गरारी आई शक्तिमान की और इसमें आप कौन सी डाल रहे हो? इसमें गरारी आई 16-19 की। इसमें 16-19 की गरारी आई पहले, अब कौन सी डाल रहे हो जी? इसमें 15-20 की जॉन डियर के, 15-20 की गरारी इसमें डालनी पड़ती है। ठीक है। तो जी मिस्त्री साहब, जैसे ट्रैक्टर नया रूट नया लेता है तो उसकी गारंटी वारंटी क्या है जी इसकी? एक साल की गारंटी, 6 महीने की गारंटी, 6 महीने की वारंटी हर सामान की। हर सामान की। तो सर्विस खेत में है या आप? खेत में है जी। अगर खेत में कोई दिक्कत है खेत में आपको सर्विस मिलेगी पूरी? ये सर्विस दे देंगे हम, खेत में ही है सर्विस हमारी। आप दिखाओ भाई किसान, आप दिखा दूं कि देखो खेत के अंदर ही मिस्त्री साहब आए हैं। खेत के अंदर आज ट्राई ले जाएगी ट्रैक्टर की, पहले दूसरे ट्रैक्टर पर चलाया था, अब जॉन डियर के हिसाब से चक्कर सेट किए जा रहे हैं। तो देखो सबसे बढ़िया बात कि खेत के अंदर ही सर्विस दी जा रही है, आप देख सकते हैं लाइव बिल्कुल। तो अब गरारी बदली जा रही है। तो जी ताऊ जी आप ट्रैक्टर के बारे में बताओ जी, आप ट्रैक्टर लाए कितने में पड़ा जी आपको ट्रैक्टर? ये 7,20,000। 7,00,000 आप 20,000 में आपको ट्रैक्टर पड़ा है कंप्लीट? कंप्लीट। तो आपने पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाया है जी? पहले मैंने 595 चलाया। अच्छा जी। 5 भी चलाया। ठीक है जी। वो 555 भी चलाया। ठीक है जी। और जी 100 भी चलाया, 735, मतलब लगभग तो आपने सारी ट्रैक्टर चलाया होता है। तो आपको ये बताओ जी, जैसे आपने महिंद्रा चलाए हैं, आपने और स्वराज चलाए, तो आपने फिर जॉन डियर लिया, तो आपको जॉन डियर लेने का ऐसा विचार क्यों होना जी? कुछ सोरा सुनी थी। अच्छा जी। तो इस बात से मगर चलिए चला के देख, मैं देखते चला के भी कैसा चलता है। ठीक है ना। तो जैसे 585 वगैरह आपने चलाया, इसमें आपको कैसा? 585 बढ़िया ट्रैक्टर नहीं। बढ़िया नहीं है जी? क्यों जी, क्या कारण है जी इसमें? तेल का खर्चा ज्यादा है, काम इतना है नहीं। अच्छा, काम कम करता है, तेल ज्यादा पीता है अपने हिसाब से। ठीक है। तो जी हमारे भाई खड़े हैं, तो भाई अपना नाम बताओ जी। जान मोहम्मद आई। तो आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है जी? 575। तो चलो आज देखते हैं आपको क्या लगता है, जॉन डियर टक्कर देगा उसे बढ़िया वाली? हाँ टक्कर देगा, तो बड़ा ट्रैक्टर है जी। अच्छा, और तो आज इसके चला के देखेंगे तो खेत के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो रूटर की गरारियां बहुत चेंज हो गई हैं, अब उसकी प्लेट लग जाएगी, तो ट्रैक्टर की और रूटर की दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी भाइयों। तो वीडियो में अंत तक देखिएगा, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस और रूटर की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और चैनल के साथ जुड़ते रहें, आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आगे। तो जी हमारे ताऊ जो ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, अब ट्रैक्टर और रूटर दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने दी जाएगी, और गरारी बदली है, गरारी बदलने से कितना फ़र्क पड़ा ये भी देखेंगे। तो ट्रैक्टर की सारी परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे, कितने घंटे चलाए, तो मतलब कि रमा ही हो रहा है ट्रैक्टर किस्म से अगर देखा जाए। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच हो गया, तो अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। 14-18 के टायर हैं इसके आगे और 7-50-16 के टायर आगे हैं। देखिए 7-50-16 टायर अगले हो गए। चलो जी गेयर लगाओ जी, टीटो गेयर लगाओ। टीटो गेयर लग गया, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, और रूटर की परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी कटाई कर रहा है ट्रैक्टर। रूटर आप देख सकते हैं नीचे कोई खदक नहीं है ट्रैक्टर के, रूटर के अंदर बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन चल रही है। तो देखो 18 चक्करों में चला दिया है, कौन से गियर में चल रहा है, क्या चल रहा है ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस, रोटर की आप कटाई दिखाओगे, मिट्टी दिखाओगे। रूट में चल रहा है, रूट में किसी साइड पे ज़्यादा लगता है, रूटर किसी साइड पर लगता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन दो चक्कर लेकर रूटर चले हैं रूटर में, द्वारा आपको चला के दिखाएंगे कि देखो PTO पावर के एम्पलीमेंट के अंदर जो जॉन डियर है उसकी तो कोई मुकाबला है नहीं।
आप सभी जानते हैं उसमें कोई इस्तेमाल करने जरूरी है नहीं, बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस आती है उसके अंदर। तो आपको पूरा ट्रैक्टर के बारे में कहेंगे कि पावर के अंदर है ये क्या परफॉर्मेंस सारी दिखाए बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर चल रहा है, तो फ्री चल रहा है अंडर लोड। तो भाइयों इसकी अलग अलग गियरों में परफॉर्मेंस नहीं है, पहले देखिए ए में लगा दिया, अब पहले में लगा दूंगा मैं इसको, तो इसके 18 चक्कर कर देंगे। ट्रैक्टर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत बहुत।
डी ट्रैक्टर का वर्क कर रहा है। अब देखें नए ट्रैक्टर को जितने कम चले हुए जो हमारे 100 घंटे भी हुए पूरे, जो अभी तो थोड़ा बहुत चलाया है, रमा भी प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो शायद आज रमा भी करके जाए काम भाई का हो जाएगा। तो भाई जी ने अच्छा काम करा है। तो भाइयों आपको इसकी आपको पूरी प्लेट दिखाते हैं, आपको SFC वगैरह सारा इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं पूरा आपके ट्रैक्टर के सामने आपकी प्लेट है, आप देख सकते हैं ये। तो ताऊ जी आपने जो ट्रैक्टर चलाया आप रूटर पर देखिए, आपको कैसा लगा ट्रैक्टर का चला के परफॉर्मेंस आपको? फिलहाल तो ठीक दिखा दे रहा है, सही चल रहा है, लोड नहीं मान रहा बिल्कुल ठीक है। नहीं। तो आप ज़्यादातर तो आप 540 में चलाओगे जुताई के लिए, ये की तो आपको जरूरत नहीं है, 2100 चक्करों पर चलेगा ये। तो जी चलो बाकी आपको मुबारक नए ट्रैक्टर की, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाकी आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तो मिस्त्री साहब है जी, तो मिस्त्री साहब जी कैसा चल रहा रूटर जी ट्रैक्टर? बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम, और ट्रैक्टर पे परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी, तेल का एवरेज भी सही आवेगा। अच्छा जी, कम से कम 5 लीटर का एवरेज आएगा, 5-5.5 लीटर का ज्यादा से ज्यादा भाई खेत में चलाने में। हाँ जी ठीक है, मेरे चक्कर बड़े सेट हो गए। सेट हो गए जी अब। ठीक है, मेरे ख्याल से जोंडियर की गिरारी ज्यादा चेंज करनी पड़ती है, बाकी सबके तो चक्कर ट्रैक्टर के सेम से ही होते हैं, बदलनी पड़ेगी सबकी, बदलनी पड़ेगी सबके, सेटिंग करनी पड़ती है जी। तो मान लो कि अगर हम ट्रैक्टर रूटर लेते हैं हमारा कोई ऐसा है जी, हम बतावे कंपनी से गैरेजी, कंपनी वाले गैरेजी डाल के दे दें। ठीक है, बिना ये पता नहीं कौन सा ट्रैक्टर कहाँ बिकेगा, किस इसमें बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। जहाँ हम जाते हैं तो हम ट्रैक्टर के हिसाब से गैरेजी सेट करते हैं, जिस हिसाब का खेत है, जिस हिसाब उसका वर्क है, वह किसान है और गांव है वो एरिया में, ट्रैक्टर के हिसाब से हम गैरेजी डाल के सेट करके चला, खेत में सेट करके चला के संतुष्टि करके जब जाते हो, जब जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये नहीं है कि आपने रूटर बेच दिया अपनी सिरदर्दी खत्म। हाँ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल सेट करके दोगे, बिल्कुल बिल्कुल सेट करके देंगे, हमने खेत में चलवा के दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा, तसल्ली होगी तो हमारा काम खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जब मानोगे जब आपका जो कस्टमर है वो पूरा संतुष्ट होगा, जब होगा जी जब। बिल्कुल ठीक है, बहुत आपकी बहुत अच्छी आपकी प्रायोरिटी है कि आप अपने कस्टमर की बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। तो भाई जी आप बताओ ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस को कैसी लगी? ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पूरा अच्छा जोर लगा रहा, बढ़िया जोर लगा। तो आप जैसे 575 चला रहे हो, अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपैरिजन कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छा चल रहा है तो। अच्छा, उसके हिसाब से बाकी चलो देखो, मेरे ख्याल से आपके आपके जो परिवार में मेरे जोंडर पहला आया दिखा जी। जी हाँ, पहला जोंडर। हाँ तो अभी उसके चलाने के बाद पता लगेगा कि कितना ये कामयाब होता है, तभी कंपैरिजन दोनों ट्रैक्टर के बीच में। अगर हो सका कि हम आपको 585 या 595 के साथ इसको चला के आपकी परफॉर्मेंस दें, तो भाइयों किसान लाइफ चैनल के साथ जुड़ते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।